देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु जल्द ही प्राचीन पारंपरिक मार्ग से होते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंच सकेंगे। नगरोटा से कटड़ा तक 25 किलोमीटर लंबे इस रास्ते में अनेक प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिनके दर्शन का लाभ श्रद्धालु उठा सकेंगे। बता दें कि ये रूट देश के विभाजन के बाद से बंद है, अब राज्य सरकार इसे पुनः शुरू करने जा रही है। मार्ग पर कई प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हुआ करते थे। इस मार्ग में सबसे पहले दर्शन कोल कंडोली माता के होते हैं। ऐसी मान्यता है कि कोल कंडोली माता के दर्शन किए बिना यात्रा आरंभ नहीं होती। कोल कंडोली से देवा माई कटरा तक पारंपरिक मार्ग 25 किलोमीटर लंबा है। मार्ग के दोनों ओर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अनेक नजारे देखने को मिलते हैं। अनेक ऐतिहासिक मंदिर इस मार्ग को अद्भुत बनाते हैं। अनेक श्रद्धालु अभी भी कोल कंडोली माता मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जानकारी न होने और जम्मू से सीधा कटरा के लिए बस सेवा होने के कारण अधिकांश श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते। अब सरकार का प्रयास है कि वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को अन्य प्राचीन मंदिरों के भी दर्शन करने को मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए LON न्यूज चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए।